कैमूर जिले में रक्षाबंधन को लेकर राखी खरीदारों की भीड़ उमड़ पड़ी, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। कई लोग बिना मास्क के ही राखी की खरीदारी करने पहुंचे। वहीं लॉकडाउन के कारण व्यवसाय चौपट होने से दुकानदारों ने नाराजगी जताई। लॉकडाउन की वजह से धंधा रहा मंदा। दुकानदार बताते हैं कि कोरोना संकट से कम 5 लाख रुपये की राखी हम लोग मंगाते थे जो बिक जाती थी, लेकिन जब से लॉकडाउन लगा है हम लोगों ने मात्र 1 लाख रुपए की राखी मंगाई, वह भी आधा बिक पाई है। कोरोना ने हम सभी का व्यवसाय पूरी तरह से प्रभावित किया है। कैमूर से अजीत कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। कितने सालों से आप लोग कारोबार कर रहे हैं? अच्छा, 5 साल हो गया जी। इस समय कोरोना चल के बहुत कम हुआ जी। हाँ, इस साल माल 5,000 गया, पिछले बार 40-50 आ रहा था। कोरोना माल चलते बहुत कम आया है माल, बाजार के देखते हुए लॉकडाउन चलते काम बहुत प्रभाव हुआ है, काम बहुत ताप से नहीं हो रहा है। इस बार की क्या आप लोगों की स्थिति है? बहुत डाउन है, 5-6 हज़ार का माल आया है। हाँ, बिक्री का क्या है? बिक्री का अनुमान 10% है 100 में। हाँ, यही अनुमान है। क्या नाम है आपका? विनय कुमार चौधरी। क्या स्थिति है राखी जो बेच रहे हैं? मैं तो होलसेलिंग करता था जी, पर लॉकडाउन का सिचुएशन इतना गंदा हो गया कि माल भी मेरा फंसा हुआ है। टाइम अगले साल से माल भी कम लेकर के आया था। पहले कितना का माल आते थे? पहले 2-4 लाख रुपये का माल लेता था, इस बार 1.5 लाख रुपये का माल लाया, फिर भी फंस गया है। बिक्री नहीं हो रही है? बिक्री है लेकिन बहुत कम है, लोग डर से निकल नहीं रहे कोरोना के बाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहिल रजा। क्या? राहिल रजा।